नहीं, आप ज्यादा मत शर्माइए कि बाहर से हम मस्त कलंदर होते हैं, आंसू शिकवे दिल के अंदर होते हैं, हम आंसू का तकिया रखकर सोते हैं, कमरे में यादों के बिस्तर होते हैं। अगली दो पंक्तियां आपके लिए कि जिनके चेहरे ज्यादा सुंदर होते हैं हरदम वो शक के घेरे में होते हैं। देखो आप हमारे शहर में मेहमान हैं, मैं तो खाली हमारे गोविंद भाई की पंक्तियां आपने इनके लिए कहा तो याद आ जाती है कि खुद अपने हाथों आग मत लगा, कि खुद अपने हाथों आग मत लगा, ये दिल का मामला है, दिमाग मत लगा। और समझ में आए तो ताली बजाना, कि खुद अपने हाथों आग मत लगा, ये दिल का मामला है, दिमाग मत लगा। और तू भी मेरी मोहब्बत का कायल है तो दो का गुणा कर चार का भाग मत लगा। भाग गुणा तो खैर मैं नहीं लगा रही, इतनी बड़ी गणितज्ञ नहीं हूं मैं, लेकिन वास्तव में अतुल जी आप आज इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये तो ब्याह की ड्रेस है, मैंने कहा कि पहन लो आज। मतलब खूबसूरती में आप आज यहाँ जितनी महिलाएं हैं उनका तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे जरूर मात कर रहे हैं, बेदाग होने की लगाकर क्रीम बैठे हैं। अच्छा अच्छा, यही है तो बेदाग होने की लगाकर क्रीम बैठे हैं, सारे काम छोड़कर धाम विहीन बैठे हैं। इतनी देर से मैं समझ रही थी साधु सा इंसान, जिसे अब मेरी समझ में आया कि वास्तव में राम रहीम बैठे हैं। बहुत कलाकार लोग हो रहे हैं, एक मिनट में पाला बदल लेते हो। किसी शायर की गजल, इन्होंने जो भी कहा, देखो अपन तो मालवा के लोग हैं, अपने ये जबरदस्ती की बातें करनी है, सुनना पंक्ति कि किसी शायर की गजल गीतकार का गीत लगती हो। इन्होंने कहा उसका जवाब अगर ठीक दे दूं तो ताली बजाना, कि किसी शायर की गजल गीतकार का गीत लगती हो। लग रहा है कि गीत में चली गई। गीतकार का गीत लगती हो, गीत में गुथा हुआ सुमधुर संगीत लगती हो, और मुझे राम रहीम बता रही हो शोक से बताओ, मैं राम रहीम तो तुम भी हनी प्रीत लगती हो। वैसे ये हनी प्रीत की कहीं नहीं, वो तो बंटी ऐसे ही बोलता है, पिछली बार का सो ही नहीं आए। नहीं, मैं तो सोच रही थी कि एक दिन का कार्यक्रम ये बंटी के लिए भी यहाँ कर लेना चाहिए। तो जो पंक्तियां आपने पढ़ी उनसे मुझे लग रहा है कि भाभी जी शायद घर पे चली गई हैं। नहीं भी जाए तो क्या फर्क पड़ा, उसको मालूम है कि रोज वो, आप जानो कि आपको क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन खैर, आपने जो बोली पंक्तियां, मेरी तारीफ में इतना कसीदा पढ़ा, बिल्कुल इसका जवाब देना चाहूंगी कि बेशक मैं आपसे प्यार भी करूंगी। बस खत्म कर दो यही, और क्या बात ही खत्म हो जाए। कहन पे खत्म क्यों कर रहे हैं? बेशक मैं आपसे प्यार भी करूंगी, अपनी मोहब्बत का इजहार भी करूंगी, और आप रक्षाबंधन के दिन मेरे घर आना, मैं राखी लेकर आपका इंतजार भी करूंगी। ये सब फोकट की बातें हैं। देखो कि राशि तुम हो बांसुरी अद्रो की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूं। संभालना पंक्ति, 3:30 पढ़ूंगा आखिरी की, आधी आप बोलोगे ये बात की गारंटी है कि राशि तुम हो बांसुरी अद्रो की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूं। तुम हो धर्म पत्नी किसी की, मैं भी एक हस्बैंड हूं, और सरे महफिल सबको सुनाने से क्या फायदा, तुम भी सेकंड हैंड हो और मैं भी सेकंड हैंड हूं। लेकिन देखिए, ये सब आपसे जुड़ने जुड़ाने की बातें हैं। राशि पटेलिया जी जिन कविताओं के गीत गजलों के लिए जानी जाती है उनमें ये कई बातें शामिल नहीं होती, ये सुबह तक कर सकते हैं अपन, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सक्षम कवियत्री हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर राशि जी का मन बड़ा करें कि वे कविताएं, वे गीत
पढ़े जिनके लिए वे जानी और मानी जाती है। मैं अपना काव्य पाठ यहाँ से शुरू करती हूँ, हालांकि इनकी बात का उत्तर था मेरे पास, लेकिन चलिए आपके आदेश का पालन करती हूँ और अतुल जी के इस चार पंक्तियों का उत्तर देकर मैं यहाँ विराम करना चाहूंगी। स्वागत, बिल्कुल विराम हो जाएगा। धन्यवाद। हाँ, जब मैं आपका कथन बहुत तारीफ कर रहे हाँ। थे कि अधरू की बांसुरी और ये और वो, कि आपका कथन बहुत ही नेक और सच्चा है, लेकिन किसी दूसरे की पत्नी की तारीफ उसका पति ही करे तो अच्छा है। आप कागज के फूलों से खुशबू निकालते रह जाएंगे और इस उर्मिला का लक्ष्मण यदि यहाँ आ गया तो ऐसे भागते नजर आएंगे। और देखिए